नमस्ते छात्रों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक की दूसरी इकाई की चौथी कविता सिंधु का जल पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है अशोक चक्रधर। संवेदना के साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से चक्रधर जी ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव, पर दुख कातरता आदि मानवीय गुणों पर दृष्टिक्षेप किया है। सिंधु नदी कहती है, मैं निरंतर गतिमान हूँ और यही मेरे जीवन की पहचान है। मेरे स्वर में कलकल की ध्वनि है। मैं सिंधु नदी का जल हूँ। धरती पर सभ्यता का उदय मेरे ही तट पर हुआ था। मेरे किनारे पर संस्कृतियाँ पनपी, इंसानियत फैली। मेरी गति कभी मंद नहीं हुई। मेरी गति चंचल है, परंतु मेरी भावना अचल है। मैं सिंधु नदी का पवित्र जल हूँ। मेरे जल में जो लोग स्नान करने आते हैं, मैं उनसे कभी उनकी जाति और धर्म के बारे में नहीं पूछता। मैं तो बस जीवन के सार को जानता हूँ। मेरी लहरें सदा आगे बढ़ने के लिए मचलती रहती है। उनमें जीवन है। मेरे जल में प्यास बुझाने जो लोग आते हैं, मैं उनसे कभी नहीं पूछता कि वे मेरे दोस्त थे या दुश्मन। मैं मैल हटाने से पहले लोगों से यह नहीं पूछता कि वे मुस्लिम है या हिंदू। मेरा जल सबके लिए है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आने वाले सब जी भरकर इस जल का पान करें। अनेक छोटी छोटी नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती है और मुझ में समा जाती है। अनेक सभ्यताएँ, संस्कृतियाँ मुझ में घुल मिल जाती है। लेकिन क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ? कभी कभी मेरे जल में खून भी बहकर आता है। मेरे घाटों पर लड़ाइयाँ होती है, तलवारें खनकती है, घोड़ों की टापों से वातावरण गूंज उठता है, तोपें गरजती है, धमाके होते हैं और अनेक वीर योद्धा शहीद हो जाते हैं। मेरे लिए वे रणबांकुरे थे। मैं नहीं पूछता कि वे कहाँ के थे।